कौन सी स्त्री के भाग्य में नहीं होता है पुत्र और कौन सी स्त्री हो जाती है जल्दी विधवा। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं किस कारण, किन कारणों से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। जानिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी के लिए खास वीडियो है। वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेना, जिंदगी भर काम आएगा ये वीडियो। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो इसे क्या इस जन्म में संतान का कष्ट होता है। पूरी जानकारियाँ, कई कारण हो सकते हैं। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी क्यों ना हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी मानी गई है। जी हाँ भक्तों, जिसके बिना दोस्तों संतान के बिना शादी शुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा ही रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, असंत संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखाविद बताते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है, पूरी जानकारी अंत तक देख ले। पहली चीज सर्प श्राप। जी हाँ, इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए तो अंत में हवन कर दान किया जाए तो आप इस श्राप का प्रभाव नष्ट कर सक पाते हैं। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। दोस्तों बहुत ही पितृ श्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट तो भोगना ही होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापा क्रांत हो तो इसको पितृ दोष या पितर श्राप भी कहा जाता है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राप करना बहुत जरूरी माना जाता है। मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति भी करानी चाहिए। भ्रातृ श्राप। यह योग भी कुल 13 प्रकार का है जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में पहले के जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय है तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, चंद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों में स्नान करने से शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें तो यह श्राप आपका कट सकता है। दोस्तों ब्रह्म श्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। नवे भाव में गुरु राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति है तो पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए। पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग होता है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी की मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बना है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराइए और किसी कन्या का विवाह कराना बहुत जरूरी होता है। ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। देखिए यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान, गोपाल का पाठ और
औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्या दान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना और मंगल और शनि के दोष से सड़ंग शत्रुद्रीय जप करना चाहिए। गुरु को करें प्रसन्न बहुत ही होता है जरूरी। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटे, गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए दो आप जरूर ये काम कर लें। संतान गोपाल की पूजा, स्कंदन माता की पूजा। माँ दुर्गा के नौ रूपों में से एक रूप स्कंद माता का भी है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बिठाए माँ स्कंदा माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। इनके पूजन से मातृत्व सुख का प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको विशेष पूजा करनी होगी। पितृदोष का भी कर सकते हैं उपाय। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होती हैं और पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष माँ गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी दो भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है और जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। वो महिलाएं जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें गर्भपात का डर है, वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ये माँ और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना जाता है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। ये सारी जानकारियाँ और भी दी जाएंगी। वीडियो देखने में बहुत ही चमत्कारिक जानकारी आज की वीडियो में होने वाली है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सच्चे भाव से लिख दें जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता पार्वती। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि कहते हैं कि यदि किसी जातक के ने गत जन्म में अपने कोई ऐसे अपराध किए होते हैं तो वो संतान के प्राप्ति को सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो अब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कुछ खास चीज़ों के बारे में। कुंडली में अगर एक ऐसा ग्रह है जिसके मेहरबान होने पर होते हैं जुड़वा संतान, जानिए कौन से ग्रह योग बनते हैं संतान सुख में बाधक। सब संपूर्ण जानकारी। संतान सुख के बिना दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता। अगर संतान जुड़वा हो जाए तो सोने पर सुहागा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जुड़वा संतान का जन्म कुछ विशेष योग से होता है। सभी तरह से सुखों में एक है संतान का सुख। वहीं संतान अगर जुड़वा हो तो फिर क्या कहेंगे। समझिए कि किस्मत आप पर मेहरबान है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ ग्रहों को मेहरबान होने पर ही जुड़वा संतान जन्म लेती है। कुंडली में जब तक संतान योग नहीं हो या किसी प्रकार की ग्रह बाधा हो तब तक संतान नहीं होती है, भले ही आप कई उपचार क्यों ना करा लें। कुंडली में संतान योग
है या नहीं जाने। ज्योतिष शास्त्र मत से विवाह से पूर्व भी विवाह योग, युवक युवती की जन्म कुंडलियों के गहरे विश्लेषण, ग्रह लग्न, नक्षत्र, गुणगण, भ्रकुट मिलान आदि से जाना जा सकता है कि कुंडली में संतान योग है या नहीं है। अगर संतान योग है तो यह योग विवाह के कितने समय बाद परिणाम देगा, कितनी संतानें होंगी। अगर इस योग में बाधा है तो क्या बाधा है, इसके निराकरण के उपाय क्या हैं, क्या उपचार से यह बाधा हट सकती है। इसके लिए पूजा, व्रत, मंत्र, जाप, अनुष्ठान आदि ज्योतिष शास्त्र मत की क्रिया संपन्न करनी होगी। इन विशेष योग से होते हैं जुड़वा बच्चे। चंद्रमा और शुक्र ग्रह का एक ही राशि में स्थित होना। दूसरी चीज, बुध, मंगल और गुरु ग्रह विषम राशि में होना। तीसरी चीज, लग्न और चंद्रमा सम राशि में स्थित हों और पुरुष ग्रह द्वार देखे जाते हों। बुध, मंगल और लग्न मजबूत हो और सम राशि में स्थित हो और मिथुन या धनु राशि में सूर्य और गुरु हो और धनु से और बुध से दृष्ट हो तो जुड़वा पुत्र का जन्म होता है। इन विशेष ग्रह बाधाओं के कारण संतान सुख में आती है बाधा। शास्त्र मतों में से विवाह उपरांत परिवार की नींव रखी जाती है और समय पर संतान होना, उस समय उस संतान का योग होना दोनों ही दंपत्य सुख में वृद्धि करते हैं और इससे एक परिवार का निर्माण होता है। लेकिन जब संतान सुख में विलंब होने लगे या बाधाएं आए तो इसका कारण जानना अनिवार्य हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष ग्रह बाधाओं के बारे में बताया गया है जो कि संतान सुख में बाधा उत्पन्न करा रहे हैं। नवमे पंचमे राहु, नवमे पंचमे कुंजह, नवमे पंचमे सौरी पुत्र स्वप्रेरणा दर्श दे। यानी जिस जातक के नवम भाव या पंचम भाव में राहु कुंज मंगल अथवा शनि हो तो उसे संतान सुख में बाधा उठानी पड़ेगी। शनि की इन भावों में स्थित शल्यक्रिया यानी ऑपरेशन से संतान प्राप्ति की ओर संकेत देती है। बताया गया है कि जन्म कुंडली में पंचम भाव में पुरुष राशि तथा पुरुष संज्ञक ग्रहों की स्थिति पुत्र प्राप्ति की ओर संकेत करती है। इसी प्रकार पंचम भाव में स्त्री राशि तथा स्त्री संज्ञक ग्रहों की उपस्थिति कन्या संतान का फल देती है। बहुत ही खास जानकारियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थोड़ा सा समय निकाल के बस वीडियो को अंत तक देख लेना, बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। जीवन से संपूर्ण जुड़ी समस्याओं का हल। जन्म से अगर कुछ ऐसे निशान हो तो वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है, भी जानना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए काफ़ी लकी होती हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्य महिलाओं की कुछ विशेषताएं कुछ खास बताई गई हैं जो हमें बहुत ही जानना जरूरी होती हैं, जो अपने माता पिता, प्रेमी पति और परिवार के लिए बहुत ही लकी साबित होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह विकसित होते हैं, अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखता है। जिस महिला के पांव की हर उंगली समान लंबाई की होती है वह महिला अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हासिल करती हैं और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखती हैं। और समुद्रिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वह बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने परिवार के हर संभव सहायता भी करती हैं और परिवार में खुशहाली भी लाती हैं। और जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं और उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है, उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की सदैव कृपा मानी जाती है, जो बहुत जरूरी होता है। और जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मसा होता है वो अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली और सुखमय होती है, उनका जीवन हमेशा सुख और संपन्नता से बीतता है। थोड़े से जान लेते हैं कि आखिरकार महिलाएं विधवा क्यों हो जाती हैं जल्दी। दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है भक्तों कि सबसे पहली चीज, पतिव्रता का पालन करना बहुत जरूरी होता है प्रत्येक नारी के लिए। क्योंकि अगर पत्नी कितने भी झूठ बोले तो वो कहीं ना कहीं उसका
परिणाम उसे पति को भी भोगना पड़ेगा क्योंकि ये विधवा के कारण हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर लिखते जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम महाराज की।